नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक के पद्य खंड में संकलित पाठ 10 विविधा का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ कविताएं पढ़ेंगे जिसमें कि 3 कविताओं का संकलन किया गया है। पहली है नई सभ्यता, दूसरी है तृप्ति और तीसरी है खाली पेट। इसके कवि अभिमन्यु अनंत जी हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम अभिमन्यु अनंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। अनंत जी का जन्म 9 अगस्त सन 1937 को मॉरिशस के उत्तर प्रांत में स्थित त्रियोले गांव में हुआ। उन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन कार्य किया और वे 3 सालों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे। अनंत जी मॉरिशस के उपन्यास सम्राट कहलाते थे। इनकी कविताओं में शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। बेरोजगारी की समस्या पर भी इनकी दृष्टि गई है। अनंत जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: केक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, एक डायरी बयान इनके काव्य संग्रह के अंतर्गत हैं। मॉरिशस की हिंदी कविता, मॉरिशस के 9 हिंदी कवि इनके संपादित कविता संकलन है। कहानी संग्रह में समंदर, बवंडर बाहर भीतर, जहर और दवा, इतिहास का वर्तमान, जब कल आएगा यमराज, इंसान और मशीन, वह बीच का आदमी, खामोशी की चित्कार, ये इनके कहानी संग्रह हैं। नाटकों में देखते हैं गूंगा इतिहास, विरोध, 3 दृश्य, रोग दो काना व देख कबीरा हांसी इनके नाटक हैं। अनंत जी के उपन्यास छोटे बड़े उपन्यासों की संख्या 35 है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं: गांधी बोले थे और नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, चुन चुन चुनाव, आसमान अपना आंगन, लहरों की बेटी, शब्द भंग, हम प्रवासी, एक उम्मीद और, फैसला आपका, काल पसीना, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, चौथा प्राणी, हम प्रवासी, तीसरे किनारे पर आदि। लाल पसीना, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है, आपके उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अनंत जी की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से हैं बच्चों: भाव पक्ष के अंतर्गत सामाजिक चेतना के क्रांतिवाहक अभिमन्यु अनंत के साहित्य में जनमानस की समस्याएं, उसका दर्द बड़े मार्मिक रूप से उभरा है। सामाजिक विषमता ने आपको अंदर तक छुआ है, उनमें शोषण के प्रति आक्रोश है। प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत अनंत के काव्य में आसपास की हलचलों को प्राचीन परिवेश के पुट के साथ प्रभावशाली ढंग से रखा गया है। कला पक्ष के अंतर्गत आएगा बच्चों सरल, सहज किंतु प्रभावी भाषा में अभिमन्यु अनंत ने गंभीर विषयों को अभिव्यक्त किया है। नवीन उपमानों, प्रतीकों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। चमत्कार तथा आडंबर से युक्त अनंत के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग पाठकों को आकर्षित करता है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। हिंदी की समृद्धि में सक्रिय विश्व के रचनाकारों में मॉरिशस के रचनाकारों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपना उत्स भारत में ही देखते हैं। भारत का समृद्ध अतीत उन्हें गौरवान्वित करता है। अभिमन्यु अनंत उन्हीं प्रबुद्ध रचनाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा हिंदी के भंडार को सुसंपन्न किया है। आधुनिक युग के हिंदी प्रवासी रचनाकारों में अभिमन्यु अनंत जी का स्थान
उत्कृष्ट है। आइए बच्चों, अब आपके समक्ष पटल पर कुछ कविताएं में से जो पहली कविता है नई सभ्यता, उस कविता का भाव सारांश दिखाया जा रहा है, उसको हम समझ लेते हैं। अभिमन्यु अनंत अप्रवासी भारतीय हैं, उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम है। नई सभ्यता कविता में उन्होंने टूटती हुई परंपराओं के प्रति चिंता व्यक्त की है। वे नवीनता को सोच समझकर स्वीकार करने का संकेत देते हैं। वे अपनी सभ्यता की बुनियाद को चरमराते हुए देखकर अत्यंत व्यथित होते हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता के भारत में प्रवेश से बहुत ही चिंतित हैं। नई सभ्यता कविता की पंक्तियां जो कि इस प्रकार से हैं, कल हमारी कुटियों में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाजे खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं हमारी बुनियाद चरमरा रही है। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से रहेगा, प्रस्तुत कविता कुछ कविताएं शीर्षक के अंतर्गत नई सभ्यता से ली गई है, जिसके कवि अभिमन्यु अनंत जी हैं। प्रसंग में लिखा जाएगा बच्चों, इस कविता में कवि ने नई सभ्यता के रूपक को प्रस्तुत किया है। भावार्थ में हम लिखेंगे, अतीत में हुए बर्बर आक्रमणों की ओर ध्यान खींचते हुए कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे निवासों में आक्रमणकारी तूफान की तरह घुस जाते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे। आज स्थिति यह है कि बाहरी संस्कृति एवं सभ्यता हमें सजग किए बिना हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इससे हमारी पुरानी सुदृढ़ सभ्यता की नींव चटक रही है, अर्थात डगमगा रही है। ऐसी स्थिति में सोच विचार कर नवीनता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा, सभ्यता और संस्कृति पर हो रहे आक्रमणों के प्रति सजग किया गया है। कविता में सरल सुबोध एवं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अगली कविता है जो है तृप्ति, जिसका सारांश इस प्रकार से है, तृप्ति कविता में कवि ने मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन किया है तथा शोषणवादी नीति के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तृप्ति कविता की पंक्तियां आपके समक्ष पटल पर प्रस्तुत हैं। इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, माथे की श्रम बूंदों को खेत में पहुंचाकर मजदूर ने बो दिया, लहलहाती फसल जब तैयार हुई उन हरे भरे दानों की ओर ने तिजोरी के लिए बटोर लिया, इसलिए आक्रोश में आकर मजदूर सूरज को निगल गया। संदर्भ इस प्रकार से रहेगा, कविता तृप्ति कवि अभिमन्यु अनंत जी हैं। इसके प्रसंग के अंतर्गत आएगा बच्चों, इस कविता में किसान की मेहनत के शोषण पर आक्रोश प्रकट किया गया है। भावार्थ में हम लिखेंगे, कवि अनंत कहते हैं कि मजदूर अपने खून पसीने को बहाकर खेतों में फसल तैयार करते हैं और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो मध्यस्थता करने वाले साहूकार द्वारा उसको अपने कब्जे में लेकर तिजोरियों में भर लिया गया। इस अन्याय से मजदूर क्रोधित हो उठा और उसने साहूकार रूपी सूरज को निगल लिया, अर्थात उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। निम्न पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा,
कविता में मजदूरों के शोषण के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे सरल सुबोध व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है तथा तीसरे बिंदु के अंतर्गत प्रगतिवादी दृष्टिकोण की झलक कविता में दिखलाई पड़ती है। तो ये था तृप्ति कविता का भावार्थ, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ और काव्य सौंदर्य सभी बताया गया है और समझाया गया है। इसको आप अपनी कॉपी में समझकर लिख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए इसको याद कर सकते हैं। अगली कविता है खाली पेट। इसका सारांश इस प्रकार से है, नियति पर करारा प्रहार करती खाली पेट कविता गरीबी का सटीक चित्रण है। इस कविता में कवि ने नियति से प्रश्न किया है कि तुमने आदमी को खाली पेट क्यों दिया? यदि पेट दिया तो उसमें टेकने के लिए घुटने भी दिए हैं, जिसकी सहायता से श्रमिक अपनी भूख को शांत करने का कोरा प्रयास करता है। यह था खाली पेट कविता का सारांश। अब इसका हम भावार्थ समझ लेंगे। भावार्थ के पहले हम इसकी पंक्तियां पढ़ लेते हैं जो कि आपके पटल पर दिखाई दे रही हैं। तुमने आदमी को खाली पेट दिया, ठीक किया, पर एक प्रश्न है रे नियति, खाली पेट वालों को तुमने घुटने क्यों दिए, फैलाने वाले हाथ क्यों दिए? इसके संदर्भ के अंतर्गत आएगा कविता खाली पेट, कवि अभिमन्यु अनंत। प्रसंग में हम लिखेंगे गरीबी की विडंबना को उजागर करने वाली इस कविता में नियति के प्रति आक्रोश भरा है। इसका भावार्थ इस प्रकार से रहेगा, व्यंग्यात्मक लहजे में कवि कहते हैं कि हे नियति, तुमने यह बहुत ठीक किया कि गरीब को पेट भरने के साधन नहीं दिए, उसे खाली पेट रहने की विवशता प्रदान की कर दी। किंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको तुमने खाली पेट दिया है उनको भूखे पेट में धसाने के लिए घुटने क्यों दिए, और मांगने के लिए, दूसरों के सामने फैलाने के लिए हाथ क्यों प्रदान किए? अच्छा था वो भूखे पेट अपने को समाप्त ही कर देता। कविता का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा, कविता में गरीबी की विडंबना का स्वाभाविक अंकन हुआ है। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे नियति पर तीखा व्यंग है। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे सरल सुस्पष्ट परंतु गहरी भावानुभूति को प्रकट करने वाली सशक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और चौथे बिंदु में आएगा कविता में प्रगतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो ये था खाली पेट कविता का भावार्थ। अब कुछ शब्द आपके पटल पर दिखाई दे रहे हैं जिनके अर्थ इस प्रकार से हैं, कुटियों का अर्थ है झोपड़ियों घरों, दाखिल का अर्थ है घुस आते प्रवेश करते, बुनियाद का अर्थ है नींव, चरमरा का अर्थ है चटक जर्जर, बटोर का अर्थ है समेट, आक्रोश का अर्थ है क्रोध और नियति का अर्थ है भाग्य अथवा प्रकृति। पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ हमने आपके सामने पटल पर प्रस्तुत किए हैं, वह इस प्रकार है। इनको आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला है सही विकल्प चुनिए, जिसमें प्रथम हुए अभिमन्यु अनंत निवासी हैं। पहला विकल्प है वियतनाम, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सूरीनाम और चौथा है मॉरिशस। इसका सही उत्तर होगा बच्चों मॉरिशस। दूसरा प्रश्न है खाली पेट कविता के कवि का नाम है त्रिलोचन, दूसरा विकल्प है नागार्जुन,
तीसरा विकल्प है अभिमन्यु अनंत और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है अभिमन्यु अनंत। तीसरा प्रश्न है बुनियाद चर बनाने से कवि का क्या आशय है। तो पहला है छत टूटना, दूसरा विकल्प है जमीन टूटना, तीसरा विकल्प है जड़ से नष्ट होना और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसमें से सही उत्तर है जड़ से नष्ट होना। कुछ रिक्त स्थान आपके सम्मुख पटल पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला है आक्रोश में आकर मजदूर ने रिक्त स्थान को निगल लिया। तो इसके अंतर्गत आपको पता है क्या आएगा, इसका उत्तर होगा सूरज को निगल लिया। दूसरा रिक्त स्थान है कवि अभिमन्यु अनंत रिक्त स्थान से प्रश्न करते हैं, इस रिक्त स्थान के अंतर्गत आएगा नियति से प्रश्न करते हैं। अब सत्य असत्य देख लेते हैं। अभिमन्यु अनंत प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। दूसरा है नई सभ्यता कविता के अनुसार नई सभ्यता से हमारी बुनियाद मजबूत हो रही है। इन दोनों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं तथा अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आपको अपने विशेष शिक्षक से मार्गदर्शन लेना है। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कवि अभिमन्यु अनंत ने नई सभ्यता का स्वरूप कैसा बतलाया है। इसका एक और प्रश्न बनता है बच्चों, वह इस प्रकार है नई सभ्यता कविता के कवि का नाम बताते हुए नई सभ्यता के स्वरूप को बताइए। यदि एक प्रश्न आपको दूसरे स्वरूप से पूछा जाता है या उसको आपको परिवर्तन करके पूछा जाता है तो आपको प्रश्न समझना है, भ्रमित नहीं होना है। तो आप प्रश्न अच्छे से समझिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और फिर उसका उत्तर समझ करके लिखिए। तो कई बार परीक्षा में ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न का स्वरूप बदल कर पूछ लिया जाता है, तो आपको बिना भ्रमित हुए ध्यानपूर्वक उस प्रश्न को समझकर उत्तर देना है। अब इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। नई सभ्यता के कवि अभिमन्यु अनंत ने बताया है कि स्वार्थ केंद्रित नई सभ्यता में चमत्कार की प्रधानता है, इसका स्वरूप घातक है। दूसरा प्रश्न है आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया, जिसका उत्तर है आक्रोश में आकर मजदूरों ने शोषक रूपी सूरज को निगल लिया। तीसरा प्रश्न है खाली पेट से कवि का क्या आशय है, जिसका उत्तर है खाली पेट से कवि का आशय दीन अवस्था से है या गरीबी की अवस्था से भी हो सकता है इसका उत्तर। चौथा प्रश्न इस प्रकार है कल हमारी कुटियों में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, कविता का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा कल हमारी कुटियों में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, कविता का शीर्षक है नई सभ्यता। कुछ लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार से हैं बच्चों। पहला है कवि नियति से क्या प्रश्न, कवि नियति से क्या प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर इस प्रकार से होगा कवि के विभिन्न नियति के, पुनः पढ़ेंगे, नियति के विभिन्न कार्य ऐसे हैं जिनमें कोई साम्य नहीं है। उसने गरीब को पेट तो दिया है किंतु उसे भरने के साधन नहीं दिए हैं। वह दूसरों के सामने हाथ फैलाकर पेट भरता या घुटने गाड़कर सो जाता है। इसी विषमता से दुखी कवि प्रकृति से प्रश्न करता है कि खाली पेट वालों को फैलाने के लिए हाथ क्यों दिए तथा पेट में गाड़ने को घुटने क्यों दिए। अगला प्रश्न है बुनियाद चर मनाने से कवि का क्या तात्पर्य है, जिसका उत्तर है हमारी सभ्यता तथा संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, हमें अपनी
आदर्श भरी परंपराओं पर गर्व है। इसने ही हमारे यशमय जीवन की नींव रखी है। हमारा संसार में महत्व इसी सभ्यता संस्कृति के कारण है, किंतु आज बाहरी प्रभावों ने हमारी जो गहरी नींव थी उसकी चरमराने की स्थिति पैदा कर दी है। आशय है कि बाहरी प्रभाव से हम अपनी सभ्यता को खो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके पटल पर दिखाई दे रहा है, वह इस प्रकार है, नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने क्या अंतर बतलाया है? जिसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने यह अंतर बतलाया है कि पुराने समय में तो हमारी कुटियों में बिना पूछे ही तूफान प्रवेश पा जाते थे, पर नई सभ्यता में कुछ बदलाव आ गया है। आज तो लोग हमारे घरों में बिना दरवाजा खटखटाए ही घुस आते हैं। शिष्टाचार शालीनता का कहीं कोई पता नहीं है। इस परिवर्तन ने हमारी बुनियाद की नींव को हिला दिया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों, खाली पेट कविता में निहित व्यंग को समझाइए। जिसका उत्तर इस प्रकार से होगा, खाली पेट कविता में निहित व्यंग यह है कि नियति ने किसी को कष्ट देने के लिए भोजन की व्यवस्था ना की हो। यह बात अलग है, पर खाली पेट के साथ उसको घुटने क्यों दिए और साथ ही उसे फैलाने के लिए हाथ क्यों दिए? कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य ने उसको खाली पेट रखा है। उसे घुटने और हाथ भी प्रदान ना किए होते तो अच्छा होता, क्योंकि बिना घुटनों के वह चल नहीं सकता और बिना हाथों के वह भीख नहीं मांगता। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, जो आपके पटल पर प्रस्तुत है, तृप्ति कविता के माध्यम से कवि ने किस विसंगति को उजागर किया है? जिसका उत्तर इस प्रकार से होगा, तृप्ति कविता के माध्यम से कवि ने शोषणवादी नीति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मजदूर रात दिन परिश्रम करके अपना खून पसीना एक करके फसल तैयार करते हैं, किंतु फसल के द्वारा प्राप्त धन बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी में चला जाता है। इस प्रकार परिश्रम करने वाला मजदूर तो दीनहीन ही बना रहता है, लेकिन पूंजीपतियों की तिजोरी धन से परिपूर्ण रहती है। इस कारण आक्रोश में भरकर या आक्रोश में आकर मजदूर ने सूरज को निगल लिया, अर्थात विद्रोह कर दिया। तो ये था आपका विविधा पाठ, जिसका दूसरा भाग आपके सामने था और इसमें तीनों कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। पहली थी नई सभ्यता, दूसरी थी खाली पेट और तीसरी थी तृप्ति। इन तीनों का भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्प भी आपको समझाए गए हैं, बताए गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लेंगे तथा परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।